नेचुरली आपका हाथ का पोजीशन कहाँ सबसे अधिक कंफर्टेबल, कहाँ फील करते हैं, जैसे ये पोजीशन, यहाँ आपके खुद से देखें कि किस जगह मैं हाथ को रखूं जो सबसे कंफर्ट लेवल हो जहाँ पर। अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो बहुत देर नहीं रख पाऊँगा, या ऐसे रखता हूँ तब भी बहुत देर नहीं रख पाऊँगा। तो सबसे पहले इसको कहाँ रखूँ, ये किस हाइट पर रखूँ, बांसुरी के हिसाब से ये रखूँ। इसके बाद ये हाथ का जो पार्ट है ये कहीं मुझे फोल्ड नहीं होना चाहिए, नेचर ने हमें जैसा दिया है उसको ध्यान रखना है हमें। इस हाथ का भी सेम है कि बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं तो बाद में यहाँ से शुरू होकर और पेन यहाँ चला जाता है इस जगह, या ऐसे करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल नहीं है, बहुत देर तक ऐसे नहीं कर सकते। तो इसका पोजीशन कहाँ है, नेचर क्या कहता है, कहाँ पर हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल। और ये हाथ देखिए, ये हाथ नेचर के हिसाब से इस तरह से, तो हमें पकड़ने में भी इसी का इस्तेमाल करना है। जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इसको यहाँ अंगूठा हो गया, लेकिन इस हाथ में जब हम टर्न करते हैं तो किसी बच्चे को हम थपकी देते हैं तो ऐसे देते हैं, ऐसे देते हैं। तो समझिए कि बच्चे को हमने पकड़ रखा है, उसी तरह बांसुरी को ऐसे डाला और ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, किसी जगह हमने फोल्ड नहीं किया, जगह भी वही है, ये भी वही है। तो यहाँ पर लाया, इसको ये किया, इसको ये किया, कहीं किसी उंगली को हम यहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, सबका अपना अपना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नेचर ने आपको जैसा दिया है वैसे आपको बांसुरी पकड़ना चाहिए। तो ये किया, ये छोटी उंगली को यहाँ पे रखा, अंगूठा, अंगूठा यहाँ रखते हैं, जहाँ देखें कि कम्फर्ट लेवल कहाँ है, अंगूठा के कम्फर्ट लेवल कहाँ। उसी तरह इस हाथ में ये कम्फर्ट लेवल, जैसे मैंने ये लाया और सीधा ऐसे करके रख दिया, सीधा ऐसे करके रख दिया, कहीं पर मैंने फोल्ड नहीं किया हाथ को, किसी जगह फोल्ड नहीं किया, ऐसे लाया और ऐसे करके रख दिया। ये सी नेचुरल, पहला सफ़ेद कहें, सी नेचुरल कहें, उसकी बांसुरी का ग्रिपिंग है। बड़ी बांसुरी में यही पोजीशन चेंज हो जाएगी, छोटी में चेंज हो जाएगी। अभी मैं बताऊँगा कि अलग अलग बांसुरी को कैसे कैसे ग्रिप करते हैं। ये सी शार्प, अब इसमें हम ऐसे करके अगर पकड़ें तो ये मेरा इसका छेद का डिस्टेंस इतना नज़दीक है कि बिल्कुल नहीं आएगी अगर ऐसे करके पकड़ते हैं। तो इसको पकड़ने के लिए हम टिप को यूज करते हैं, इन सारे टिपों को यूज करते हैं, उंगली के अगले हिस्से को यूज करते हैं। ये देखिए, ये यूज किया हूँ, ये टिप, इस टिप को मैं यूज करता हूँ। अगर इसको ऐसे पकड़ूँ सी नेचुरल मीडियम की तरह, तो ये उंगली आपस में लड़ जाएगी और ये बांसुरी बजेगी नहीं। इसको टिप को यूज करता हूँ,